केरल के कोच्चि ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। आज अस्पताल में भर्ती 12 साल की नाबालिग बच्ची ने दम तोड़ा। कल हुए धमाके में 50 से ज्यादा लोग हैं घायल। प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के भीतर हुए 3 अलग अलग धमाके। प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ सेकंड्स बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके हुए। केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में चल रहा है कई घायलों का इलाज। धमाके में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक। कल धमाके के बाद एक महिला की हुई थी मौत। शाम तक दूसरी महिला के मौत की भी खबर आई। कन्वेंशन सेंटर में धमाके में जांच के लिए सीएम पिनराई विजयन ने एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था के नेतृत्व में 20 सदस्यीय जांच टीम बनाई। जांच दल में 20 सदस्य शामिल। ब्लास्ट की तह तक पहुंचेगी जांच टीम। एनएसजी ने ब्लास्ट वाली जगह से उठाए सैंपल। सैंपल की जांच के बाद विस्फोटक के बारे में जानकारी मिलेगी। मामले में टेरर एंगल को लेकर भी जांच हो रही है। हमले में हमास के हाथ होने की भी आशंका। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट से जुड़े सबूत जुटा रही जांच एजेंसियां। केरल पुलिस के मुताबिक स्थिति का आकलन करने के लिए जांच जारी। शुरुआती जांच से पता चला है कि विस्फोट एक आईईडी डिवाइस से हुआ था। ब्लास्ट को लेकर सीएम पिनराई विजयन बोले, कला मसेरी में हुए विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, चर्चा के लिए आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली। आरोपी ने कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। दावा किया कि उसने ही प्रार्थना सभा स्थल पर बम रखा था। ब्लास्ट को लेकर पुलिस का बयान, आरोपी डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले किया था सोशल मीडिया पर लाइव। प्रार्थना सभा में ब्लास्ट करने की बात कबूली। पुलिस ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच चल रही है। डोमिनिक ने कहा है कि वो ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से है संबंधित, मगर उसे उनकी विचारधारा पसंद नहीं। देश के लिए बताया खतरा, युवाओं के दिमाग में जहर घोलने का आरोप। डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के आधार पर जांच कर रही है एजेंसियां। मार्टिन से धमाके को लेकर अलग अलग एंगल से किए जा रहे हैं सवाल। डोमिनिक ने कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट की जिम्मेदारी ली। पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन नहीं बता पाया ब्लास्ट में इस्तेमाल आईडी और विस्फोटक की पूरी डिटेल्स। उसने आईडी से बम बनाना कहां सीखा, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया मार्टिन। धमाके के बाद उठे कई सवाल, जांच एजेंसियों को शक। धमाके में मार्टिन की मदद के लिए कुछ और लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई। शुक्रवार को ही केरल के हमास के समर्थन में हुई थी बड़ी रैली। जांच एजेंसियों को शक, कन्वेंशन सेंटर में इसराइल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते ब्लास्ट की आशंका। विरोध में आतंकी संगठनों ने दिया सीरियल धमाकों को अंजाम। केरल ब्लास्ट को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच। पाबंदी के बावजूद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था पीएफआई। पीएफआई कनेक्शन की तफ्तीश में जुटी एनआईए। केरल में हुए सीरियल धमाकों को लेकर जांच एजेंसियों को शक, सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हो सकता है हाथ। टेरर कनेक्शन को लेकर चल रही है जांच। केरल सीरियल ब्लास्ट का ब्लू कार कनेक्शन सीसीटीवी में नजर आई संदिग्ध नीले रंग की कार। धमाके से कुछ देर पहले ही कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के भीतर आई थी ये कार। जांच एजेंसियों को शक, धमाका करने वाले ब्लू रंग की कार से हुए थे फरार। कार पर लगाया गया था गलत नंबर। नीले रंग की कार का अब तक कोई आता पता नहीं। कोच्चि धमाके को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताया दुख। धमाके को बताया भयावह त्रासदी। मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, ब्लास्ट में घायल हुए 18 लोग आईसीयू में भर्ती। घायलों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को फौरन ड्यूटी पर लौटने के आदेश। धमाके को लेकर के बोले केरल के मंत्री अब्दुल रहीमन, ब्लास्ट की सही वजह की जांच हो रही है। जल्द सामने आएगा धमाके का सच। धमाकों को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले, धमाके की होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच। केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों को शामिल करने की भी मांग। धमाके को लेकर सीपीआई नेता डी राजा का बयान, ये घटना केरल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। केरल के लोग सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस का बड़ा बयान, केरल में माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आ रहा है पैसा। कट्टरवादी संगठनों को ठहराया ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार। केरल के धमाके को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले, केरल में पहले से ही देश विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। केंद्रीय एजेंसी से ब्लास्ट की जांच कराने की मांग की। केरल में हुए धमाकों को लेकर दिल्ली में अलर्ट। राजधानी के तमाम संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मेट्रो स्टेशन भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। केरल में धमाके के बाद दिल्ली में चर्च के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। स्थानीय पुलिस के साथ अलर्ट पर जांच एजेंसियां, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। केरल धमाकों के बाद मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर। चावड़ हाउस में बढ़ाई गई सुरक्षा। यहूदी समुदाय से जुड़े इलाकों पर हाई अलर्ट। केरल में विस्फोट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, सरकार हमेशा अलर्ट रहती है। मुंबई पुणे समेत राज्य के कई स्थानों पर संवेदनशील जगहों को स्पॉट किया गया।
धमाके को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन, AIMIM कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जाहिर किया, धमाके की गहन जांच की मांग। और 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 13, अब तक मरने वाले 7 लोगों की हुई पहचान, शेष शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी, 2 ट्रेनों की आपस में हुई थी टक्कर। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, हादसे की वजह की जांच हो रही है, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से जख्मी लोगों के लिए 2 लाख रुपए, मामूली रूप से जख्मी लोगों को 50,000 की सहायता देगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल हादसे पर दुख जाहिर किया, पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति की जानकारी ली, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश रेल हादसे के बाद रद्द की गई 12 ट्रेनें, 15 ट्रेनों का रास्ता बदला गया, 7 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव, आज से 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार, 25 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भरेंगे पर्चा, 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग से पर्चा भरेंगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, बीजेपी ने दुर्ग से सांसद विजय बघेल को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, दिल्ली की बैठक में 76 सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे, बीजेपी ने घोषित की 124 सीटों के लिए प्रत्याशी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन, कांग्रेस ने करीब आधी सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन, राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया, टिकट को लेकर मचा घमासान। छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार जोरों पर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ का दौरा, 2 रैलियों को संबोधित करेंगी, खैरागढ़ बिलासपुर में प्रियंका की जनसभा। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सरकार में केवल अरबपतियों का फायदा, अगर मोदी जी करते हैं ओबीसी की मदद तो क्यों नहीं कराते जातिगत जनगणना, कांग्रेस सरकार बनते ही कराएंगे जाति जनगणना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, उमा भारती से जुड़ा सवाल टाल गए केंद्रीय मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कहा कांग्रेस ने जनता नहीं हमेशा परिवार के लिए सोचा, जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार, भाजपा की रिपोर्ट कार्ड सरकार। शाह के एमपी दौरे का आज आखिरी दिन, उज्जैन में कहा तेजी से मंदिर के विकास से कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस सरकार में मौनी बाबा थे पीएम, करते थे देश की सुरक्षा से खिलवाड़। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी, इंदौर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को देश का विकसित राज्य बना दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर निशाना, एमपी के रायसीन में कहा कि शिवराज की घोषणा करने का उन्होंने कीर्तिमान बनाया है, राज्य में निवेश इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मध्य प्रदेश कमीशन पर चल रहा है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, एमपी में अगले 4 दिनों में पड़ेंगे राजस्थान जैसे ईडी के छापे, अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे, देश के गृहमंत्री तोड़ रहे हैं कानून। हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस की 6 गारंटी लागू, बीजेपी की बी टीम बीआरएस दोहरा रही है बात, दोनों के बीच शायद गुप्त समझौता। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीजेपी धर्म के नाम पर दिए जा रहे 4% आरक्षण करेगी रद्द, बढ़ाएगी एससी ओबीसी कोटा, सभी वर्ग की महिलाओं के साथ होगा न्याय। तेलंगाना में निष्पक्ष चुनाव के लिए हैदराबाद पुलिस की तैयारी, सिटी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, मतदाताओं से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश से जुड़ी खबरों की बात करें। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा, मेहसाणा में करीब 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, कल राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा हम आतंकवाद से पीड़ित, इसलिए हमारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख, हर जगह टेररिज्म के खिलाफ हमारा कड़ा रुख। गया में औरंगाबाद बीजेपी सांसद की एक संत ने लगाई क्लास, वीडियो वायरल, बीजेपी सांसद ने खुद को बताया हिंदू तो संत ने पूछा कहां है शिखा, केवल हिंदू को बेच कर रहे हैं राज।
शिंदे गुट के शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल का इस्तीफा। महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन के समर्थन में दिया इस्तीफा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा इस्तीफा। मनोज जाएंगे पाटिल की भूख हड़ताल को समर्थन देने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान, हालात पर मुख्यमंत्री की नजर। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर बढ़ रहा तनाव, एनसीपी नेता सुनील तटकरे को मराठा आरक्षण समर्थकों ने दिखाए काले झंडे, ठाणे में हुआ विरोध, मराठा आरक्षण को लेकर बढ़ रहा गुस्सा। महाराष्ट्र के भीड़ में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर युवक ने किया सुसाइड, पानी की टंकी से कूदकर दी जान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था युवक। महाराष्ट्र के भीड़ में युवक के सुसाइड मामले को लेकर बढ़ा आक्रोश, लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, आरक्षण की मांग के लिए जारी आंदोलन ने जोर पकड़ा। मेरठ के कासिमपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, रेलवे क्रॉसिंग बैरियर के ठीक नीचे ठेले को निकालते समय यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया, 2-3 घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। जनसंख्या कानून को लेकर गाजियाबाद में निकाली गई रैली, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े संगठन के लोग, पुलिस ने नहीं दी आगे जाने की इजाजत। जहरीली हो रही गुरुग्राम की आबोहवा, आसमान में छाई धुएं की चादर, प्रदूषण लेवल बढ़ने से सांस लेने में परेशानी, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं कोर्ट केस से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका, शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राघव ने राज्यसभा से अपने निलंबन को दी है चुनौती, कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कमेटी कर रही मामले से जुड़े सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध, मथुरा कोर्ट में सुनवाई की मांग। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांचों याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पांचों याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़े विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, हाईकोर्ट को तय करना है कि कॉरिडोर के निर्माण में खर्च होने वाली रकम कहां से आएगी। चलिए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है क्राइम से जुड़ी खबरों का। मेरठ में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में पथराव, दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर, फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक जख्मी। रांची में चाय बागान में हुए धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर, धमाके के असर से आसपास मौजूद इमारतों की छत क्षतिग्रस्त, कूड़े के में आग लगाने के दौरान हुआ था धमाका। गाजियाबाद में बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल, गाड़ी की छत पर चढ़कर युवक कर रहे आतिशबाजी, उड़दंग बचाने पर 3 युवक गिरफ्तार, बोनट पर केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाई। उन्नाव यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, पीईटी परीक्षा में नकल करने का खुलासा किया, ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने वाले मुन्ना भाई की गिरफ्तारी, सलाखों में परीक्षार्थी और सॉल्वर। यूपी के जालौन में पूर्व प्रधान पर दबंगों ने फायरिंग की, 15 दिन पहले भी दबंगों ने किया था पूर्व प्रधान पर हमला, एफआईआर के बाद भी पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। 9 सेकंड न्यूज में खेल और विदेश से जुड़ी खबरों का वक्त है। भारत ने लगाया जीत का सिक्सर, भारत ने विश्व कप में इंग्लैंड को मात दी, विश्व कप में लगातार 6ठी जीत हासिल की, लखनऊ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर बनाए 229 रन, जवाब में इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 129 रन पर आउट। 6 मैचों में इंग्लैंड की 5वीं हार, सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंची टीम इंडिया, इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर। विश्व कप में 20 साल बाद भारत ने इंग्लैंड को हराया, इससे पहले 2003 में मिली थी टीम इंडिया को जीत, 2011 में टाई रहा मैच, 2019 में इंग्लैंड से हार का हुआ था सामना। मैच के दौरान रहा भारतीय गेंदबाजों का दबदबा, भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए, जो रूट बेल स्टोक्स और मार्कवुड खाता भी नहीं खोल पाए। विश्व कप में आज अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच है मुकाबला, श्रीलंका अफगानिस्तान ने अभी तक 5 मैचों में से 2-2 में जीत दर्ज की है। गाजा पट्टी से केरल करीब 5000 किलोमीटर दूर है, इसराइल से जंग लड़ रहा हमास गाजा में एक्टिव है, फिर केरल धमाके में हमास कनेक्शन का शक
क्यों जाहिर किया जा रहा है? केरल धमाके से हमास के तार जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? इसकी वजह है केरल में हुए दो आयोजन, एक को हमास के नेता ने वर्चुअली एड्रेस किया तो दूसरे कार्यक्रम में हमास का विरोध किया गया। जिस कार्यक्रम में हमास का विरोध हुआ कुछ ही घंटे के बाद उसमें सीरियल धमाका हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। केरल में अमन को किसने आग लगाई? इबादत गाह से उठती लपटों के पीछे किसका हाथ है? इस चीख पुकार का, मातम का कौन गुनाहगार है? केरल का एर्नाकुलम एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। निशाने पर था एक कन्वेंशन सेंटर जहां 20 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक धमाके हुए और प्रार्थना की जगह चीख पुकार ने ले ली। जो हाथ इबादत के लिए उठे थे वो मदद मांगने लगे। करीब 2000 लोगों के लिए बनाई गई इमारत में जिसे जहां जगह मिली जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। जामरा कन्वेंशन सेंटर में उठती लपटें बुझी लेकिन तब तक दर्द की आग सुलग चुकी थी। धमाके के बाद की सहमी फजाओं में रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजें गूंजने लगी। धमाका किसने किया इसकी पड़ताल हो रही है। देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी NIA धमाके की जांच कर रही है। इसी बीच एक हैरान करने वाला डेवलपमेंट हो गया, इसके बारे में बताएंगे लेकिन पहले कुछ सवाल। क्या केरल ब्लास्ट के पीछे आतंकवादी संगठन हमास का हाथ है? अगर हाँ तो इस धमाके से हमास क्या हासिल करना चाहता है? क्या हमास अब केरल के रास्ते भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है? ये सच है कि जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी जारी है। ये भी सच है कि कोई पक्के तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हर वारदात की इस तरह सीरियल ब्लास्ट की भी एक क्रोनोलॉजी है जिसे ध्यान से देखने, इससे निकलते हर संकेत को गंभीरता से समझने की जरूरत है। जांच एजेंसियां यही कर भी रही हैं, लेकिन इसी बीच एर्नाकुलम से करीब 70 किलोमीटर दूर एक शख्स के सरेंडर ने सबको हैरान कर दिया। A particular one person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belonged to the same group of Sabha. We are verifying it. We are looking into all aspects of this case. अभी केरला में एक बम स्फोटन हुआ। वो यहोवा साक्षीगल विटनेस ऐसा एक विभाग का एक मीटिंग चलता था, उसका अंदर हुआ, एक किया मैं किया। त्रिशूर पुलिस के आगे सरेंडर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन की बातों में कितना दम है? ये सरेंडर कहीं सीरियल ब्लास्ट की जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं है? डोमिनिक मार्टिन कौन है? क्या वो किसी आतंकी समूह का मेंबर है? उसने ईसाई समुदाय के धार्मिक आयोजन में ब्लास्ट क्यों किया? अगर सरेंडर ही करना था तो वो कन्वेंशन सेंटर से भागा क्यों?
जाहिर है जांच एजेंसियां जब सख्ती से पूछताछ करेंगी तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल सवालों की फहरिस्त लंबी है और इसका एक सिरा उन हालात से भी जुड़ता है जिनकी बिना पर ब्लास्ट में हमास का हाथ होने के इशारे ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे है एर्नाकुलम से करीब 150 किलोमीटर दूर मल्लपुरम में हुई एक रैली जिसका कनेक्शन सीधे उस आतंकवादी संगठन हमास से है जो इसराइल की सरकार से जंग लड़ रहा है। मल्लपुरम में इस रैली की जोर शोर से तैयारी की गई, इश्तिहार बनवाए गए, पोस्टर पर हमास के फाउंडर्स में शामिल खालिद मिशाल की बड़ी तस्वीर लगाई गई। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट मल्लपुरम के इस रैली में जिस तरह की भड़काऊ बातें कही गईं, उसका मजमून इस पोस्टर पर भी देख सकते हैं। 28 अक्टूबर को फलस्तीन के समर्थन में जब ये रैली हुई तो इसमें हमास का पूर्व चीफ भी वर्चुअली मौजूद था। उसने 7 मिनट की लंबी तकरीर की, भड़काऊ बयान दिए और रैली में मौजूद लोगों को हमास का समर्थन करने की शपथ दिलाई। और उसके करीब 12 घंटे के बाद ही एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय के धार्मिक समारोह में एक के बाद एक 3 धमाके हो गए। सवाल है कि क्या ये धमाके हिंदुस्तान में रहकर हमास का आतंकी एजेंडा चलाने वालों ने करवाए? अगर हाँ तो एर्नाकुलम के जामरा कन्वेंशन सेंटर में मौजूद लोगों से उनकी क्या दुश्मनी थी? बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आंध्र रेल हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आ रहा है। जो हादसा विजयनगरम में हुआ, हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है, इस वक्त की अपडेट है। 7 शवों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों में टक्कर हो गई और मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट, हादसे में मरने वालों की संख्या 13 पहुंची है। 7 शवों की पहचान अभी तक हो चुकी है। ये कहा जा रहा है विजयनगरम में कल जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो मौत की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, विजयनगरम ट्रेन हादसे में 7 शवों की पहचान की गई है, मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। कैसे ये हादसा हुआ, कहां पर किस स्तर पर लापरवाही हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, 13 मौतों का जिम्मेदार कौन, इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। देखिए आप, 2 ट्रेनें किस तरीके से टकराई और फिर पटरी से नीचे उतरकर पलट जाती हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है मरने वालों की संख्या 13 हो गई है और 50 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें 7 शवों की पहचान अभी तक की जा चुकी है। जो बोगियां वहां पर बिखरी हुई है वो भी आप देख रहे हैं, 2 ट्रेनें एक के बाद एक वहां से गुजरती हैं और इस तरीके से टकरा जाती हैं, जिसका मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त, आपको हम दिखा रहे हैं रूह कपाने वाली ये तस्वीर, और इसमें जान गई है 13 लोगों की। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा, सेफ सुरक्षा की गारंटी आखिर कब मिलेगी, सफर उनका सुगम हो, सुरक्षित हो, ये कब सुनिश्चित किया जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। 13 की जान गई, 7 शवों की पहचान की गई है, विजयनगरम में 2 ट्रेनों में टक्कर और उसके बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।